जो भी नए क्रिएटर है वो अपनी वीडियो बनाने के लिए 100% मेहनत करता है, लेकिन उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आपको ठगेगा, जो आपके साथ धोखेबाजी करेगा, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते। आज नहीं चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप सभी के लिए। आप सभी को ये बताना पड़ रहा है कि अगर आप इस तरह के यूट्यूबर को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए आपके साथ कैसे खेला जा रहा है। ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर का जो क्रिटेरिया है, इसको कम करने का बात किया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। और जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, उतने लोगों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। मैंने भी जब इस अपडेट को देखा था तो मुझे भी मन में लगा था कि भाई अब तो बहुत अच्छा होने वाला है, यूट्यूब पे वॉच टाइम कम हो जाएगा, सब्सक्राइबर तो वहीं रहेगा लेकिन वॉच टाइम कम हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा यूट्यूब पे ग्रो करना। लेकिन ये अपडेट जो है ये बिल्कुल फेक है। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को जाकर चेक कीजिए तो YTS स्टूडियो में आपको सेम टू सेम वही क्रिटेरिया मिलेगा जो पहले था, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। लेकिन जो जो बड़े क्रिएटर हैं, अभी आप देख लीजिए मनोज भाई को देख लीजिए, टेक्निकल योगी सर को देख लीजिए, माय स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर को देख लीजिए, जुन्नू की टेक, ये सभी इसी टॉपिक पे वीडियो बना के आप सभी के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। बस केवल अपनी वीडियो से, जो 5-10 मिनट का वीडियो है उसमें ऐड लगा के वो आपसे बहुत सारा पैसा छापने का काम कर रहे हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूं कि इस तरह की किसी भी न्यूज़ पे आपको भरोसा नहीं करना है। और ये जो आप वीडियो वायरल करने का ट्रिक खोजते रहते हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके पास 1000 सब्सक्राइबर हैं, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, लेकिन अभी वो अपने चैनल से 1 रुपया भी अर्न नहीं कर रहे हैं, यही सब ट्रिक के चक्कर में पड़ने के कारण। अगर आपको YouTube से अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको इस तरह की न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप इस तरह के ट्रिक को फॉलो नहीं कीजिए, आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। कोई भी व्यूअर आपके वीडियो को कब देखेगा, जब वो आपसे दिल से जुड़ेगा। अगर आप उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो आपकी वीडियो को देखेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके अगर आप YouTube पे ग्रो कर भी गए तब भी आप YouTube से पैसा नहीं अर्न कर सकते। और ये देख लीजिए, मुझे ऐसा कभी सोचा भी मैंने नहीं था कि ये सब क्रिएटर छोटे यूट्यूबर के भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस तरह के क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते। देखिए, जो क्रिएटर एक बहुत ही विपरीत कंडीशन से इस मुकाम पे पहुंचा है, वो नए क्रिएटर के साथ खेल रहा है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसे क्रिएटर, आप लोग के जैसे क्रिएटर। मैं भी अभी उतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, बट मुझे बहुत बुरा लगा है यार इस वीडियो को देखने के बाद। अभी जो जो यूट्यूबर आपको इस तरह का वीडियो बनाकर दे रहे हैं, अगर आप उनके चैनल को विजिट करेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा जो केवल अर्निंग पर्पज से बनाया गया है। आपको उसमें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा हो YouTube से रिलेटेड। अभी तत्काल का मैं बात कर रहा हूँ, इधर का, जब ग्रो कर गए हैं तब। पहले तो बनाते थे, शुरुआत में बना रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्रो किए अब उनके मन में भी पैसे का लालच आ गया है। सब कोई बस केवल आपके भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहा है, आपको किसी तरह से पागल बना के बस वीडियो में इंगेज्ड रखना है। बड़ा यूट्यूबर है भाई, बड़ा यूट्यूबर है तो उसके वीडियो को सब देखेंगे, बिकॉज वो अच्छा सही बोल रहा है। लेकिन जो नए क्रिएटर है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है आपको। जो भी नए क्रिएटर है वो अपनी वीडियो बनाने के लिए 100% मेहनत करता है, लेकिन उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आपको ठगेगा, जो आपके साथ धोखेबाजी करेगा, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ा मतलब कि कमी है हमारी कम्युनिटी में। जो भी उसी को सपोर्ट करता है जो आगे बढ़ रहा है, जो नीचे है, जो अभी स्टार्टिंग कर रहा है अपने कैरियर का, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। चाहे कोई न्यू क्रिएटर कितना भी अच्छा नॉलेज आपको दे दे, लेकिन आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो आपको पागल बना के जाएगा, जो आपसे व्यू छाप के जाएगा, जो आपसे पैसा छाप के जाएगा, उसको आप सपोर्ट करते हैं। यही है हमारी सोसाइटी का जो रियलिटी है। और अगर आप इस तरह के यूट्यूबर को सपोर्ट करते रहें तो जो भी नए क्रिएटर हैं उनका तो हाल बहुत बुरा होने वाला है भाई। लेकिन मैं भी नए क्रिएटर से यही बोलूँगा कि आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, अपने कंटेंट में इतना दम लाइए कि कोई भी क्रिएटर आपके वीडियो को देखे तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाए।
तो दोस्तों आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, इस तरह के किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आप मेहनत कीजिए। अभी देखिए, अभी मेरे इस आंख पे चोट लगा हुआ है बट फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास ये माइक जो आप देख रहे हैं, माइक और एक फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं है, एक ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन तीन चीज़ों के मदद से मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और शूट करके वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप मेरे इस राय से कितना सहमत हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।